दोस्तों, ये जो स्टार्टर होता है हमारा, ये जो है इसके बीच में एक राउटर लगा हुआ होता है, और ये इस तरह से होता है, राउटर इसके बीच में जब घूमता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा याद रखे कि हमारी गाड़ी में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी यूज हो रही है, लेकिन ये जो अल्टरनेटर है हमारा, ये जो करंट बनाता है, ये एसी करंट बनाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है। हम बाद में इसको जो रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और रेगुलेटर की मदद से प्योरीफाई करके वोल्टेज को बाहर निकालते हैं। कोई भी अल्टरनेटर एसी ही करंट बनाता है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अब इसके चेक करने के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तौसीफ़ और आप देख रहे हैं एमटी इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटर के बारे में, स्टेटर क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि स्टेटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग चेक कैसे करते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। स्टार्टर के अंदर हमारा सबसे पहले ये समझना होगा कि जो स्टार्टर होता है हमारा, उसके अंदर 3 वायर होता है, ठीक है, और किसी किसी स्टार्टर में 4 वायर होता है। तो वो जो चौथा वायर होता है, वो आपका ये तीनों वायर एक जगह मुड़ के होता है इस जगह पे, और यही चौथा वायर निकल करके रेक्टिफायर में जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस स्टार्टर को चेक करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि स्टार्टर को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका ये 3 वायर देख लीजिए, स्टार्टर के अंदर आपको 3 वायर मिलेगा, ठीक है, और ये है हमारे पास एक बीप टेस्टर, और जब इस दोनों को मैं सटाऊंगा तो बीप का साउंड मारेगा। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आखिर ये तार ब्रेक तो नहीं है बीच में, तो एक तार यहाँ लगाना है और इस दोनों में लगाना है। अब इससे ये पता चल गया कि भाई ये तार कहीं भी कटा हुआ नहीं है, पहला तो ये चेक करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या चेक करना है आपको, 3 स्टेप में आप चेक कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे चेक करना है आपको कि एक तार को यहाँ लगाना है, पहला में तो आप देख लिए कि एक में बीप आ रहा है, दूसरा नंबर पे बीप आ रहा है, यानी कि ये कॉइल कहीं से ब्रेक नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करना है कि आपको किसी एक तार में लगाना है, और ये जो बॉडी है आपका, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में आपको टच करना है। देखिए, बॉडी में टच कर रहा है यानी कि ये स्टार्टर हमारा खराब हो गया है, ठीक है। बॉडी में टच करेगा तो इसका मतलब ये स्टार्टर हमारा खराब है, ठीक है। अब 2 स्टेप में अगर बॉडी से भी खराब नहीं बता रहा स्टार्टर, तो अब तीसरा नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। तीसरा नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 तार है, ये तीनों तार एक कॉइल के रूप में आकर के इस एक जगह पे मुड़ के रहता है, ठीक है। तो अभी हम इसको अलग करते हैं, ये एक तार अलग हो गया, उसके बाद अभी हम इसको कैटरपिलर की मदद से इसको अलग करते हैं। इसको अलग करने के बाद आपको फिर बताते हैं क्या आखिर। देखिए, ये हमारा 3 वायर है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक वायर हो गया हमारा, एक ये वाला वायर हो गया, एक ये वाला वायर हो गया, और यही वाला, जैसे एक वायर है तो यही वाला वायर राउंड हो के एक जगह पे आता है, फिर दूसरा बार राउंड राउंड होकर एक जगह पे आता है, फिर तीसरा बार राउंड होकर एक जगह पे आता है, ठीक है। तीनों वायर को आपको अलग कर लेना है, ठीक है, और तीनों का, जैसे कि अब यहाँ पर ये 3 स्टेप में क्या चेक करना है आपको, आप तो ये समझ गए कि ये स्टार्टर खराब है, इसलिए कि हमारा बॉडी से अर्थ मांग रहा है। देखिए, यहाँ बॉडी से ग्राउंड मार रहा है, ठीक है, तो ये तो समझ गए भैया मेरा स्टार्टर खराब है। अगर स्टार्टर ग्राउंड में भी नहीं बताएगा कि भाई ग्राउंड में भी नहीं बता रहा है कि हमारा स्टार्टर खराब है, तो ये स्टेप चेक करेंगे, ठीक है। आपको पहला नंबर पे लगाना है और इस पे लगाना है, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, आपको एक गो में लगाएं तो इसी 3 वायर में से किसी एक में कंटिन्यूटी आएगा। जैसे हमने एक में लगाया, तो देखिए यहाँ पे
ये तीनों में कंटिन्यूटी आ रहा है। जैसे दूसरा में लगाए तो फिर किसी एक में आना चाहिए, ये तीनों में कंटिन्यूटी आ रहा है। तीसरा में लगाए तो फिर किसी एक में आना चाहिए, तो ये तीनों में कंटिन्यूटी आ रहा है। या फिर दो में कंटिन्यूटी आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, या फिर एक में आ रहा है तो सही है, एक में लगाए हम और एक ही में आना, एक में आ रहा है, दूसरा और तीसरा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्टार्टर अगर एक यहाँ है तो इसमें भी एक ही आना चाहिए, ये दोनों में नहीं आना चाहिए। इसमें लगाए तो इसमें एक ही आना चाहिए, ये दोनों में नहीं आना चाहिए। इसमें एक लगाए, इस दोनों में नहीं आना चाहिए। दोस्तों होता क्या, इसके अंदर जो पॉलिश किया हुआ होता है वो पॉलिश उड़ जाता है, जिस कारण ये आपस में जो है, जो कॉयल है आपस में सट जाता है, जिस कारण ये फॉल्ट आ जाता है गाड़ी में और अल्टरनेटर हमारा चार्ज करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अल्टरनेटर स्टार्टर को चेक करने का प्रॉपर तरीका। समझ में आ रहा होगा कि आपको थ्री स्टेप में आपको स्टार्टर पता चल जाएगा कि कैसे चेक करना है, और यही एक सटीक तरीका है स्टार्टर को चेक करने का, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रेक्टिफायर को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।